हे गाइस, तो कैसे हो आप यार। सबसे पहले तो हमारे जो 22 जवान शहीद हुए हैं छत्तीसगढ़ में, उन सभी को श्रद्धांजलि, और उनके परिवार को भगवान हिम्मत दे, उनकी आत्मा को शांति दे, और अगर उनके परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें, अगर कुछ चीज़ चाहिए हो सरकार उनकी मदद करे, और बाकी जो भी कुछ हो सके। और बाकी यार, एक छोटा बच्चा है रुद्राक्ष, जो कि नोएडा बरौला में रहता है, सिर्फ 3 साल का है, और वो उसे काफ़ी रेयर डिसीज़ है, एक स्पाइनल मस्कुलर एटोर्फी, और उसका इलाज 18 करोड़ रुपए में होगा। जो उसकी वैक्सीन लगेगी वो 18 करोड़ की होगी, जो कि एक परिवार क्या यार, एक पूरा गांव भी इकट्ठा नहीं कर सकता। आप उसके मतलब थोड़ा तो उसके समाज के लोग, उसके परिवार के लोग, उसके साथ जितने भी लोग हैं वो उसे सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं लगातार पब्लिक से, लेकिन बहुत से लोगों के कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही, और लगातार मतलब बस एक स्टोरी डाल दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, कुछ डोनेट नहीं कर रहे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे अपनी। तो यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ यार आप उसकी मदद कीजिए, वो सिर्फ 3 साल का है, उसकी कोई गलती नहीं है इस चीज़ में, और पूरी तरीके से यार हमारे हाथ में है सिचुएशन, हम चाहें तो उसकी मदद कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर 18 लाख लोगों तक भी बात पहुंच जाएगी, ये वाली न्यूज़ पहुंच जाए उस बच्चे के बारे में, उनको बताया जाए, और अगर 100-100 रुपए भी इकट्ठा करें 18 लाख लोग, तो 18 करोड़ बहुत आराम से हो जाएंगे यार। 18 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन 100 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। तो आप में से जितने लोग होंगे यार, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, शायद ही मैंने कभी ऐसे हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करी होगी, बट इस बार मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यार एक जान बचानी है, और जान बचाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। आप गंगा जी नहाने जाते हो यार, 1000 का तेल फूंक देते हो, उससे बढ़िया वहाँ चले जाओ, दिखाने जाओगे यार तुम मूर्थल जाओगे, अमरीक सुखदेव जाओगे, 1000-1000 का तेल फूंकने, 100 रुपये तुम बस किसी अच्छे काम के लिए नहीं दी जाएंगे, इतने की सिगरेट पी जाओगे, दारू पी जाओगे, जूस पी जाओगे यार इतने का चलते हुए। तो यार प्लीज़ उसकी मदद कीजिए, मैं कह रहा हूँ, मैं भाई सिर्फ 100 रुपये की कह रहा हूँ आपसे, मिनिमम 100 रुपये तो कर सकते हैं यार आप, इतना तो कोई नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास ना भी हो, पहली बात तो है होती हैं लगभग, ऐसा हो नहीं सकता, दूसरी बात अगर ना हो तो यार अपने माँ बाप से आप इस चीज़ के लिए मांगेंगे तो डेफिनेटली वो मना नहीं कर सकते, और उन्हें प्राउड होगा यार आपके ऊपर। आप ये वीडियो या कोई और वीडियो से रिलेटेड दिखा दें, शायद वो आपको और ज़्यादा दें, 100 की जगह 500 भी दे दें, तो यार प्लीज़ उसको हेल्प करें। मैं कैप्शन में उसका वो डाल दूंगा, मतलब अब पोस्टर नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर, बाकी मैं कैप्शन में उसका अकाउंट नंबर और वो सब डाल दूंगा, आप उस पर डाल दीजिएगा बाकी, या फिर आपको कहीं और से रिसोर्स में कहीं मिले वो, उसके पोस्टर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे नंबर के अकाउंट के, तो प्लीज़ उस पर डोनेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस अपनी उसके लिए उठाएं, उसके सपोर्ट करें, उसे उस बच्चे की जान हम बचा सकते हैं यार, उसका परिवार मतलब मैंने वीडियो देखी थी कई सारी, इतना लोग उनके पास जा रहे हैं और वो लगातार रोए जा रहे हैं, मतलब एक तो इतने सारे लोग उनके पास जा रहे हैं, वो बार बार रो रो के अपनी सिचुएशन बता रहे हैं, उन पर क्या बीतरी होगी यार। तो प्लीज़ आप लोग यार उसकी हेल्प कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, मैं सिर्फ 100 रुपये की कह रहा हूँ, बाकी आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, 100, 150, इवन 100 नहीं हो रहा, 50, 10, 20 कुछ तो कर सकते हैं यार, उससे बहुत हेल्प हो जाएगी। बाकी यार इस मैसेज को या इस चीज़ को, उस रुद्राक्ष की वीडियोज़ को, उसकी आवाज़ को पहुँचाया जाए यार जनता तक, और मैं सरकार से कहना चाहूँगा यार, हर चीज़ पर हमसे अल्कोहल से लेकर पेट्रोल तक टैक्स हम देते हैं हर चीज़ पर, तो यार अब सरकार हमारी उसकी मदद करनी चाहिए उसे, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी ये जो बातें करते रहते हैं, इतनी इन्फ्लुएंसर सब कोई नहीं दिखाई दे रहा लगभग, तो उन तक बात पहुँचाई जाए हर इंसान को। और यार 100 रुपये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बेसिकली हर कोई कर सकता है, इसलिए ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, सबसे पहले बस डोनेट करें अपने मिनिमम 100 रुपये, 100, 200, 500 आप जितने कर सकें, जितना बड़ा आपका दिल हो, आप जितनी हेल्प करना चाहते हो उतनी करें, और उसके बाद भाई अगले तक शेयर करें। अगर आप पैसे बिल्कुल नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं यार, आप शेयर कर सकते हो उस चीज़ को, उस चीज़ के बारे में लोगों को बता सकते हो, उस चीज़ पे बात कर सकते हो, उस बच्चे की हेल्प के लिए दूसरों से रिक्वेस्ट कर सकते हो एटलीस्ट। तो बाकी जितने लोग हो सके भाई इस चीज़ को शेयर करें, इस बात को, उस बच्चे की जान को बचाएं। और मैं कहना चाहूँगा यार, जितने भी समाज के पेज हैं ये बिरादरियों के जितने हैं, बेसिकली वो लड़का मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं जानता कौन है, उसके माता पिता का कुछ नाम नहीं पता, लेकिन सारे समाज से और हर एक से यहाँ इंसानियत की बात है, तो प्लीज़ उसकी रिक्वेस्ट करें बिना जात बिरादरी या जगह देखे उसकी। और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है आपसे, उसको सपोर्ट करें, उसके लिए डोनेशन इकट्ठा करें, और जहाँ भी रिक्वेस्ट हो सके, जिस सेक्टर में, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, हर तरीके से जाके उसको सपोर्ट करें। और बस इतना ही कहना चाहूँगा यार, और मैं क्या कहूँ, बाकी आपके सामने कभी उसकी वीडियो आएगी तो यार आप
यार उसकी लाइफ का सवाल है। वो 3 साल का बच्चा बहुत मासूम सा, उसने कुछ भी नहीं किया अभी, उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। यार आप एक जान बचा सकते हैं और आप फिर बाद में कहते हैं यार भगवान हमसे गुस्सा क्यों है, आपको जान बचाने का मौका सामने से मिल रहा है, अब आप अगर मुंह फेर के बैठ जाओगे तो यार भगवान गुस्सा होगा डेफिनेटली, और भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो जाए, आपके परिवार में, आपके यार दोस्त में, फ्यूचर में कहीं आपका ही 3 साल का 2 साल का बेटा हो उसको ऐसा हो जाए तो आपकी कोई मदद कैसे कर देगा जब आप किसी के बारे में मुंह फेर के बैठ के सब कुछ जानते हो। तो जितने लोगों तक ये वीडियो जा रही है उस बच्चे के बारे में यार पता करके उसको सपोर्ट करें, उसके लिए डोनेट करें, और बस ये रिक्वेस्ट है मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, यार उस बच्चे को बचा लीजिए, सारी सिचुएशन हमारे हाथ में है, हम जिम्मेदार होंगे जो कुछ भी होगा, अगर उसकी जान बचती है तो आप सबको थैंक यू। और बाकी यार इतने तो यार इतने इंसान बन जाओ कम से कम, उसकी जान बचा लो यार, 100 रुपये, 150 रुपये, 500 रुपये जितने भी कर सको, 5 रुपये, 50 रुपये भी यार आप कर दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, एक दिन का कुछ नहीं हो रहा यार 150 रुपये में आपका। जितनी कर सकें, जितनी ज़्यादा ज़्यादा हेल्प कर सकें, शेयर कर सकें इस बात को, सपोर्ट उस बच्चे को कीजिए, मुझे नहीं बस मैं ये कह रहा हूँ यार उस बच्चे के लिए कैसे भी करके उसे बचा लीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं उसके माँ बाप का नाम तक नहीं जानता, बस उस बच्चे का नाम जानता हूँ और कुछ नहीं जानता। बाकी आप उसके बारे में रिसर्च कहीं से रिसोर्सेज से ले सकते हैं, किसी भी उससे उसका अकाउंट या पेटीएम आप बहुत सी जगह पे आपको मिल जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा। मुझे जो मिला हुआ है मैं उसकी स्टोरी लगा के आपको लगे फ्रॉड है बाद में मैं लगा दूंगा स्टोरी जो पोस्टर मेरे पास आया है, तो आप प्लीज़ उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें और बात को लोगों तक पहुँचाएँ, इस बारे में बात करें। बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं है लेकिन एक जान का सवाल है, और भाई एक जान की कीमत उतनी है जितनी आपकी खुद की जान की है, आपके परिवार में किसी की जान की है उसका भी परिवार है, उसकी भी जान है। तो प्लीज़ यार अनदेखा मत कीजिए और रिक्वेस्ट है आपसे उसकी हेल्प कीजिए। और हैशटैग मैं यूज़ कर रहा हूँ इस बार रेज वॉइस फॉर रुद्राक्ष, आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को, सिर्फ स्टोरी नहीं आप वीडियो बना सकते हैं, चाहे तो पोस्ट बना सकते हैं, आप कुछ भी करिए बस इस बारे में बात कीजिए, लोगों को बताइए, बहुत से लोगों को अभी पता नहीं है। ओके, थैंक यू।